नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे सदगुरु चैनल महाटिक में। मैं किशन लेके आया आप सभी के लिए कुछ खास इन्फॉर्मेशन। तो आइए चलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 3 फीचर्स ऑफ BLDC फैन। जी हाँ, BLDC फैन के 3 ऐसे फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी मतलब अच्छा देखने को मिलता है BLDC फैन में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जो पावर कंजप्शन उसके बारे में। तो BLDC फैन में जो पावर कंजप्शन देखने को मिलता है काफ़ी कम देखने को मिलता है, यानी जो नॉर्मल फ़ैन होता था उसके थ्रू BLDC फैन में जो है सीधा हाफ जो पावर कंजप्शन है वो देखने को मिलता है। यानी अगर अपना नॉर्मल फ़ैन 75-80 वैट का होता था तो BLDC फैन में आपको सिर्फ और सिर्फ 35-30 वैट यानी 28 वैट समथिंग, इससे यहाँ 28 वैट तक फ़ैन जो देखने को मिलता है BLDC फैन में। और नॉर्मल जो फ़ैन होता था वो 75-80 वैट का होता था। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा देखने को मिला, जो कि पावर कंजप्शन जो है काफ़ी कम हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल इससे कम आएगा आपका, तो इससे आपका प्रॉफिट है। तो ये चीज़ हो गया। और उसके बाद हम बात करेंगे BLDC फ़ैन का जो वेट होता है। गाइस, वेट काफ़ी कम हो गया BLDC फ़ैन का। नॉर्मल फ़ैन जो होता था, जैसे ये मेरे पास है अभी, ये काफ़ी वेट है इसका, लेकिन BLDC फ़ैन जो है वो काफ़ी हल्का होता है और उसके डिज़ाइन उसके पैटर्न काफ़ी अच्छे होते हैं BLDC फ़ैन के। और एयर डिलीवरी जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है BLDC फ़ैन का, हवा जो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो ये चीज़ देखने को मिलता है। हम बात करेंगे तीसरे एडवांटेजेस के बारे में जो BLDC फ़ैन से हमें देखने को मिलता है, वो है उसकी स्मार्टनेस। तो वो एक स्मार्ट फ़ैन हो गया, मतलब जो नॉर्मल फ़ैन होता था और ये BLDC फ़ैन, अब ये BLDC फ़ैन जो है वो काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी हद तक स्मार्ट है। आप इसको रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो, इसमें आपको लाइट्स देखने को मिलता है, वो भी आप रिमोट से ऑपरेट कर सकते हो। और इसके अंदर जो PC भी लगा हुआ देखने को मिलता है आपको, जो कि एक बोर्ड है फ़ैन के अंदर जो लगा हुआ है, तो उसके थ्रू जो है पूरा फ़ैन कंट्रोल होता है। तो अब वो नॉर्मल फ़ैन नहीं रहा, वो स्मार्ट फ़ैन बन चुका है। तो अब जो आपका पूरा कंट्रोल होगा आपके हाथ में होगा, आप हाथ से पूरा सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। पहले भी रिमोट वाले फ़ैन आते थे लेकिन वो BLDC फ़ैन नहीं होते थे, वो नॉर्मल फ़ैन होते थे, लेकिन ये BLDC फ़ैन है और इसको आप अपने हाथ से ही ऑपरेट कर सकते हो, रिमोट से ऑपरेट कर सकते हो, रिमोट आपके हाथ में होगा। तो फ़ैन का स्पीड वगैरह, लाइट्स वगैरह जो भी है सब आप बैठे बैठे ऑपरेट कर सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा। और उसमें टाइमिंग वगैरह भी आप सेट कर सकते हो, मतलब जो टाइमिंग आपको चाहिए वो सब, आपको ये टाइम पे चालू करना है, ये टाइम पे बंद करना है, या फिर 2 घंटे में फ़ैन ऑटोमेटिक बंद हो जाए, तो ऐसे सब टाइमिंग वगैरह जो है आप सेट कर सकते हैं। तो ये स्मार्टनेस हुई इस फ़ैन की, तो काफ़ी अच्छे फीचर्स है और काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी है गाइस। तो आप BLDC फ़ैन जो है ख़रीद सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं, आपके पैसे बचेंगे, एनर्जी सेव होगा और पावर कंजप्शन काफ़ी कम है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा, तो उससे आपके पैसे भी बच जाएंगे। और ये जो है थोड़ा फ़ैन जो है थोड़ा कॉस्टली है, यानी नॉर्मल फ़ैन से ये फ़ैन थोड़ा कॉस्टली आता है, तो कॉस्टली है लेकिन आपका एनर्जी जो है वो सेव कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा चीज़ है। तो अगर आप पैसा पे कर रहे हो उस चीज़ को ख़रीदने के लिए और उस चीज़ से आपको वो चीज़ मिल रहा है तो अच्छी बात है, और नई टेक आपके पास होगी तो भी काफ़ी अच्छी बात है। तो ये रहा आज का वीडियो और ये थे टॉप 3 फीचर्स जो है BLDC फ़ैन के। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।